अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर ने राशि दादा क्रिप्टो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मालूम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 4 अगस्त 2022, और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन 22,900 डॉलर्स के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी बिटकॉइन तकरीबन 22,900 डॉलर्स के करीब ट्रेड हो रहा था। और मैंने आपको बताया था कि अगर तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 50 और 21 EMA की लाइन से अबव कैंडल बंद करता है तो हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू 23,600 डॉलर्स का लेवल, जो कि उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल बन रहा था, उस लेवल तक जाएगी और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। और मैंने आपको गाइड किया था कि बिटकॉइन हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव गई 23,600 डॉलर्स के लेवल तक, और वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक की। उसका जो सपोर्ट लेवल है 22,700 डॉलर्स के लेवल तक, और 22,700 डॉलर्स के ऊपर इसकी एग्जैक्टली अब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA की लाइन आ रही है। तो अब तकरीबन 22,700 डॉलर्स का जो सा लेवल है वो एक काफी अच्छी सपोर्ट जो सा बन गया है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, लेकिन एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके अलावा अगेन जो से रेजिस्टेंस लेवल है अभी तक वही रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हम लोग कल की वीडियो के अंदर देख रहे थे, मतलब कि 50 और 21 EMA की लाइन अभी भी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और जब तक बिटकॉइन तकरीबन 3 से 4 कैंडल्स 21 और 50 EMA की लाइन से अबव बंद नहीं करता, तब तक हम लोग इसी तरह बिटकॉइन को 21 और 50 EMA की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करता हुआ देखेंगे, और 50 और 200 EMA की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पर ही यूज करेगा। तो अभी भी जो सा बिटकॉइन का एनालिसिस है वो सेम एज प्रीवियस 2 वीडियोस ही है, अभी भी हम लोग बिटकॉइन को मेनली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। और जो मेन बिटकॉइन ट्रेड होगा वो 22,700 डॉलर से लेकर 23,600 डॉलर के दरमियान में ही ट्रेड होगा। अगर तो बिटकॉइन अपना जो सा सपोर्ट लेवल है 22,700 डॉलर उसको तोड़ देता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो उसकी वजह से ये 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन 22,500 डॉलर से लेकर 22,700 डॉलर का लेवल बन रही है, ये वाले लेवल्स ही एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन अपनी जो ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मतलब कि ये 50 और 21 EMA की लाइंस 23,000 डॉलर से लेकर 23,100 डॉलर का लेवल, अगर इनको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 2 से 3 कैंडल से अबव बंद करता है, तो पहले अगेन 23,600 डॉलर एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाती है तो फिर 24,000 डॉलर का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा बिटकॉइन के लिए। और अगेन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन अभी भी साइड बाय साइड रन दिखाएगा, तो मेनली बिटकॉइन हम लोगों को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो फंडामेंटली काफी मिक्स किस्म के एनालिसिस आ रहे हैं जो कि दोनों में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि जो कि लॉन्ग रन के अंदर बुलिश साइन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेरिश साइन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो सी न्यूज आ रही है वो आ रही है माइनर्स की तरफ से कि जहां पे माइनर्स की जो सी होल्डिंग है बिटकॉइन की होल्डिंग वो अपने 2 ईयर्स की हाई के ऊपर चले गई है, और अब जो माइनर्स है वो तकरीबन 1.856 मिलियन बिटकॉइंस को होल्ड कर रहे हैं। और प्रीवियसली मैंने भी आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड किया था कि जहां पे जून के महीनों के अंदर जो माइनर्स थे उन्होंने अपने बिटकॉइंस की होल्डिंग को सेल आउट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से काफी बड़ा जो पैनिक है वो क्रिएट हुआ था मार्केट के अंदर, और हम लोगों ने बिटकॉइन को अपने एक काफी बड़े टाइम के बाद ऑल टाइम लो जो है वो बनाता हुआ देखा था, कि जहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू 17,600 डॉलर के लेवल तक भी हम लोगों को नजर आई थी। और मैं भी आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड करता रहता हूँ कि जो माइनर्स की होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर। अगर तो माइनर्स की जो होल्डिंग है वो ज्यादा होती जाएगी, उस तरह हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो भी ज्यादा होती जाएगी, और जैसे ही माइनर्स की जो सी होल्डिंग है वो कम होती जाएगी, जैसे माइनर्स सेल आउट करना शुरू करेंगे बिटकॉइन को वैसे ही बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो कम होना शुरू होगी, क्योंकि माइनर्स की होल्डिंग का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जो से आम होल्डर्स है उनके ऊपर भी। जैसे ही माइनर्स अपनी होल्डिंग को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं वैसे ही जो दूसरे होल्डर्स होते हैं आम होल्डर्स वो भी सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ये चार्ट भी इन्होंने शेयर किया हुआ है जहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये माइनर्स की होल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्लैक लाइन बिटकॉइन की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है USD के अंदर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के साथ, जैसे ही माइनर्स की जो सी होल्डिंग है वो ज्यादा होती है वैसे ही हम लोग एक थोड़ा बहुत पंप बैक देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, और बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही माइनर्स की होल्डिंग कम होती है वैसे ही बिटकॉइन की जो प्राइसेस है उसकी भी वैल्यू को हम लोग नीचे आता हुआ देखते हैं।
तो ये अगेन जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं उनकी होल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ कि जुलाई तकरीबन 29th जुलाई तक जो माइनर्स की बिटकॉइन की होल्डिंग थी वो थी तकरीबन 1,08,065,000, और जो कि अगस्त के शुरू के हफ्ते के अंदर थोड़ी बहुत कम हो गई है, और गालबन 400 के करीब जो बिटकॉइन है वो माइनर्स ने अगस्त के शुरू के वीक के अंदर सेल आउट किए हैं। तो ये काफी छोटी अमाउंट है सेल आउट करने की, अगर बड़ी अमाउंट सेल आउट होती तो उसकी वजह से हम लोग एक दोबारा से पैनिक क्रिएट होता हुआ देखते मार्केट के अंदर, और फिर बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को दोबारा से नीचे जाते हुए नजर आती। तो ये एक काफी अच्छा साइन है कि माइनर्स की जो सी होल्डिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई है, और जैसे जैसे माइनर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक बुलिश न्यूज थी जो कि आपको बताना जरूरी था। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे एक बेरिश सेंटीमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोगों ने मार्केट को एक काफी अच्छा ग्रीन रन दिखाता हुआ देखा है, ये शायद अब खत्म हो और अब हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को, उसके अलावा ऑल्टकॉइन्स की वैल्यू को थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ देखें। तो ये एक एनालिसिस शेयर किया गया है ट्विटर के ऊपर क्रिप्टो बर्ड की तरफ से, जो कि एक काफी एक्सपर्ट एनालिस्ट है क्रिप्टो मार्केट के। तो कल के दिन मैंने आपको भी प्रॉपरली गाइड किया था कि किस तरह से सोलाना के जो से वॉलेट्स हैं उनको वॉश किया गया है, वो हैक हुए हैं, और इसकी वजह से, और दूसरे जो सेंटीमेंट्स हैं और वो सेंटीमेंट्स क्या है वो अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, तो वो सेंटीमेंट्स यहाँ पे ये हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 मूविंग एवरेज से अबव है, और अगर आप लोग दूसरी तरफ देखें तो तकरीबन 80% ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव हैं, मतलब कि वो 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बियर मार्केट की रैली को। और इस वक्त हम लोग बियर मार्केट की उस रैली के अंदर हैं, उस पार्ट के अंदर हैं कि जहां पे हम लोग जो सी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, और अब ये जो क्रिप्टो बर्ड है इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि हम लोग थोड़ा बहुत मार्केट को और राइस होता हुआ देखेंगे, मतलब कि थोड़े बहुत हम लोग और ग्रीन दिखाता हुआ देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन ये वो ग्रीन रन है जो कि कुरेक्शन से पहले का ग्रीन रन होता है, मतलब कि अभी भी हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को थोड़े टाइम के बाद, मतलब कि थोड़े टाइम तक हम लोग ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी दोबारा से एक कुरेक्शन लेंगे। तो इसके मुताबिक, इस एनालिसिस के मुताबिक हम लोग इसी मंथ के अंदर, मतलब कि अगस्त के महीने के अंदर ही हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को दोबारा से करेक्शन लेता हुआ देखेंगे, और तकरीबन अगस्त के मिड तक का ये टाइम बनेगा, और अगस्त के मिड के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू एक दफा दोबारा से हम लोगों को रेड रन दिखाना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ चलते चले तो यहाँ पे इथेरियम का थोड़ा बहुत उन्होंने ऑन चेन एनालिसिस जो है वो शेयर किया हुआ है, कि जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि टॉप जो एक्सचेंजेस के वॉलेट्स हैं उन्होंने इथेरियम को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, मतलब कि एक्सचेंजेस के अंदर जो टॉप होल्डर्स हैं, टॉप 10 होल्डर्स जिनको हम लोग इथेरियम के व्हेल्स कह सकते हैं, उनकी जो इथेरियम की होल्डिंग है वो एक्सचेंजेस के वॉलेट्स के अंदर, दूसरे वॉलेट्स के अंदर नहीं, जिसके अंदर हार्डवेयर वॉलेट आ जाता है या दूसरे मेटामास्क वॉलेट वगैरह आ जाते हैं उनके अंदर नहीं, बल्कि एक्सचेंजेस के जो उनसे उनके वॉलेट्स हैं उनके अंदर इथेरियम की जो वैल्यू है वो ज्यादा होना शुरू हो गई है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सेंटीमेंट प्रॉपर दिखाता चलूँ, तो उन्होंने यहाँ पे ये शेयर किया हुआ है कि ये टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर जो से होल्डर्स हैं ये उनकी लाइन है कि जहाँ पे उनकी जो सी वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो इथेरियम के एक्सचेंज के ऊपर होल्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे वॉलेट्स हैं कि जिनके पास तकरीबन 7 मिलियन इथेरियम है। और यहाँ पे जो पर्पल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है दोनों जो से होल्डर्स हैं, एक्सचेंज वाले होल्डर्स और नॉन एक्सचेंज वाले होल्डर्स, उनके दरमियान में रेशियो को, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, मतलब कि जो कि टॉप वेल्स हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर अपने इथेरियम को अब या तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं या तो वो ज्यादा से ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि वो ऐसे लोगों से इथेरियम्स को बाय कर रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को उनसे वो जनरेट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे तो इसको टेक्निकली एक बुलिश सिग्नल रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मुझे ये किसी भी तरह से बुलिश सिग्नल नहीं लग रहा है कि जब तक के एक्सचेंजेस के ऊपर इथेरियम की वैल्यू या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कभी भी उसको सेल आउट कर सकते हैं, और 7 मिलियन इथेरियम जो है वो इन 10 होल्डर्स के पास पड़ा हुआ है, तो 7 मिलियन में से अगर वो 10% भी सेल आउट करते हैं तो ये काफी बड़ी तादाद बनती है, और इतनी बड़ी तादाद में अगर इथेरियम एकदम सेल आउट होगा तो जैसे ही ये सेल आउट होगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू भी हम लोगों को नीचे जाती हुई नजर आएगी।
तो अभी हम लोग बियर मार्केट के उस पार्ट के अंदर हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हम लोगों को अगले चंद दिनों के अंदर नीचे जाती हुई नजर आएगी। तो ये था बेरिश सिग्नल जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी था। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे इथेरियम की वैल्यू ट्रेड हो रही है तकरीबन 1631 डॉलर के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और परसों जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने तकरीबन 1560 डॉलर के ऊपर अपनी एंट्री ली थी। तो हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर जनरेट हुआ है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से, और इथेरियम अब दोबारा से 1600 डॉलर से अबव आ गया है। तो लॉन्ग रन के अंदर मैंने अभी भी आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि जब तक एथेरियम का मर्ज नहीं हो जाता, जो कि होना है सितंबर 19 को, तो तब तक हम लोग बुलिशिंग है यहाँ पे एथेरियम की ओवरऑल वैल्यू को लेके। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया है कि हम लोग अगस्त के महीने के अंदर, मतलब कि अगस्त के मिड के अंदर हम लोग कुरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस कुरेक्शन की वजह से हम लोग एथेरियम की वैल्यू को भी नीचे आता हुआ देखेंगे। तो इथेरियम की वैल्यू अगर अगेन नीचे भी आती है तो मर्ज की वजह से हम लोग अभी भी इथेरियम की वैल्यू को लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश रन ही दिखाता हुआ देख सकते हैं, और इथेरियम की वैल्यू को हम लोग मर्ज के करीब तक तकरीबन 1800 डॉलर या 1900 डॉलर के करीब तक भी दे सकते हैं। तो अगर तो ये करेक्शन होती है और इथेरियम की वैल्यू नीचे आती है, तो अब आप लोगों को रिकमेंडेड ये है कि आप लोगों ने लेवल बाय लेवल अपनी एंट्रीज लेनी है, और अपने सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही लेवल के ऊपर नहीं करनी है आप लोगों ने इथेरियम के ऊपर। तो वो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज ऑन करते चले, तो ये अभी तक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन 1630 डॉलर्स। तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो जाती है, मतलब कि 1630 डॉलर से अबव बंद हो जाती है, तो हम लोग एक दफा दोबारा से इसकी वैल्यू को 21 EMA की लाइन से अबव देखेंगे, और इसकी वैल्यू हम लोगों को एक दफा दोबारा से तकरीबन 1700 डॉलर के लेवल तक भी नजर आ सकती है अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वो जो से अपनी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर वो 1630 डॉलर से अबव बंद करे। अगर तो इससे नीचे कैंडल बंद होती है तो हम लोग इसकी वैल्यू को तकरीबन 1600 डॉलर के लेवल तक आता हुआ देखेंगे, और 1600 डॉलर का लेवल जो सा है वो साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चलूँ, तो आप लोगों का सबसे पहले शॉर्ट रेट के लिए जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1610 डॉलर के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 1660 डॉलर के ऊपर। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर वो बनेंगे 1600 डॉलर के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 1550 डॉलर के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 1500 डॉलर के ऊपर, और फिर आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1600 डॉलर के ऊपर, 1650 डॉलर के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 1720 डॉलर के ऊपर भी सेल आउट करके इसके ऊपर से काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं इथेरियम के ऊपर से। तो इस तरह से अब आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेनी है इथेरियम के ऊपर। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करना चाहूंगा इथेरियम क्लासिक का, कि जिसने बहुत ही जबरदस्त किस्म का बुलिश रन दिखाया है, और इसको काफी अर्सा पहले मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, तकरीबन अप्रैल या मार्च के मंथ के अंदर मैंने लास्ट टाइम इसको कवर किया था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू तकरीबन नीचे ही गई है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसने तकरीबन 200% का पंप दिखाया है जब से इसने अपना ये तकरीबन लो वैल्यू बनाई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 240% का पंप दिखाया है यहाँ पे इथेरियम क्लासिक ने, तो बहुत जबरदस्त किस्म का पंप है। और प्रीवियसली अगेन मैंने इसको कवर नहीं किया तो हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिस हो गया है हम लोगों से। तो अब दोबारा से एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 35.6 डॉलर के ऊपर, और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये मैंने प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी अगेन अप्रैल या मार्च के मंथ के अंदर, तब से लेके अभी तक जो सपोर्ट लेवल है ये लगा हुआ है। और इसके अलावा बाकी के जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर 32 डॉलर, फिर उसके बाद 30 डॉलर, 30 डॉलर का लेवल अगेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा, उसके बाद तकरीबन 27.5 डॉलर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 24 डॉलर। ये वाले सारे लेवल्स ऐसा मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के लिए। और अगर इथेरियम क्लासिक का जो सा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है 40 डॉलर का लेवल, अगर ये इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उससे अबव कैंडल्स बन करना शुरू कर देता है, तो फिर 42 डॉलर, और फिर उसके बाद तकरीबन 45 डॉलर का लेवल भी एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के लिए। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर इथेरियम क्लासिक इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अब अगर आप लोगों को इसके ऊपर डायग्राम रेजिस्टेंस लेवल पहले ड्रॉ करके दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला लेवल
एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के लिए, और सो फार इस लेवल से अबव कोई भी कैंडल बन नहीं हुई है यहाँ पे इथेरियम क्लासिक की। तो अगर तो ये इसी डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करते रहता है, तो हम लोग अब दोबारा से रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे, मतलब कि इथेरियम क्लासिक ने जितना भी ग्रीन रन दिखाना था, जितने भी पंप दिखाना था वो ले लिया है, और अब थोड़े दिनों के लिए ये कोरेक्शन लेगा और इसकी वैल्यू को हम लोग थोड़ा बहुत नीचे भी आता हुआ देख सकते हैं अगले चंद दिनों के अंदर। तो करंटली अगर आप लोग देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, मेजर सपोर्ट लेवल वो है तकरीबन 35.6 डॉलर्स का लेवल, और अगर ये समहाउ इसको होल्ड करके रखता है तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि तकरीबन इस लेवल के ऊपर ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। अभी भी बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, और ओवरऑल अगर क्रिप्टो मार्केट को देखा जाए तो ये ब्रेकआउट के चांसेस जरा कम है, लेकिन चांसेस हैं, और अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो कितना ब्रेकआउट लेगा उसको देखते चले तो तकरीबन इतना ही ब्रेकआउट आना चाहिए यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के अंदर, इसकी वैल्यू तकरीबन 43 डॉलर्स के लेवल तक जाती हुई नजर आती है, और 43 डॉलर्स का ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है, और इस लेवल से इसकी वैल्यू पहले भी नीचे की तरफ ही बाउंस की थी। तो 43 डॉलर्स तक का ये ब्रेकआउट बनता है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म तब होगा कि जब वो ये डायगोनल जो सा रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़े और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स इससे अब बंद करे और इस रेजिस्टेंस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करे। तो अब अगर आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 35.7 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 37.5 डॉलर्स के ऊपर, और ये काफी रिस्की ट्रेड हो सकती है। तो अगर तो आप लोगों ने ये रिस्की ट्रेड लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लोग लेवल पर लेवल एंट्रीज लें, और आप लोगों के जो लेवल पर लेवल एंट्रीज बनेंगे वो बनेंगे 35.7 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद 33.7 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 32.3 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 37 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद 39.7 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 41.7 डॉलर्स के ऊपर, और इस तरह से आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर से। और अब अगर आगे चलते चले तो लास्ट में एनएफटी से मुतालिक मैं आप लोगों को एक एक्सपर्ट एनालिसिस जो है वो शेयर करना चाहूंगा, कि जहाँ पे एहरन पोस्टुमस ने अपना एनालिसिस जो है वो दिया है कि, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो सा टाइम है जो कि करंट मार्केट चल रही है क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल, उसके अंदर अगर आप लोग नॉन फंजिबल टोकन मतलब कि एनएफटीज के ऊपर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा टाइम है आप लोगों के पास। और उन्होंने मशवरा आप लोगों को ये दिया कि अगर तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दैट इज अ गुड साइन, लेकिन अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोजेक्ट को डबल चेक करना है कि क्या वो प्रोजेक्ट वाकई में इस काबिल है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। तो आप लोग कैसे डबल चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोग डिफरेंट तरीके हैं चेक करने के, वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने इसकी स्टडी ये करना है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी यूटिलिटी देखनी है, यूटिलिटी अगर आप लोगों को यूनिक लगे तो फिर आप लोग उसके ऊपर अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक आप लोगों ने देखनी है उस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी, यूटिलिटी आप लोग ऐसे देख सकते हैं उसके रोड मैप से देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस प्रोजेक्ट का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है आप लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है कि जितने भी एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिस्कॉर्ड सर्वर लाजमी होता है, बेशक वो काफी मशहूर हो या कोई आम से आम भी प्रोजेक्ट हो तो उनका डिस्कॉर्ड सर्वर जो होता है वो लाजमी तौर पर होता है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, आप लोग उनके मेंबर्स को देखेंगे कितने मेंबर्स हैं उस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, उनका जो मीडियम आर्टिकल्स हैं अगर हैं तो वो देखें, आप लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके उस प्रोजेक्ट की टीम के बारे में स्टडी करें कि टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है, और उसके अलावा उस प्रोजेक्ट का अगेन जो व्हाइट पेपर है उसको स्टडी करें कि वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, यूटिलिटी क्या है जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया है। और अगर आपको टीम एक्सपीरियंस लगे, टीम अगर आप लोगों को अच्छी लगे कि ये टीम जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और उस टीम को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, डिस्कॉर्ड एनएफटी बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिस्कॉर्ड सर्वर होते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले उनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडीज करनी है अपनी कि क्या उनकी टीम इस काबिल भी है कि उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। और इसके अलावा अगर मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आप लोग कैसे एनएफटीज को बाय कर सकते हैं, तो एनएफटीज को आप लोग भी जानते हैं कि इस वक्त दो जो ब्लॉकचेन्स हैं वो काफी ज्यादा मशहूर है एनएफटीज के ऊपर, एक तो है इथेरियम ब्लॉकचेन, और अगर आप लोगों ने इथेरियम ब्लॉकचेन से एनएफटीज को बाय करना है तो इस वक्त ओपन सी से बेहतरीन कोई भी जगह नहीं है, ओपन सी के ऊपर आके आप लोग इथेरियम के ऊपर जितनी भी ये एनएफटीज हैं इनको बाय कर सकते हैं।
और दूसरी जो सी ब्लॉकचेन है वो है सोलाना ब्लॉकचेन। तो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे जो मशहूर एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है मैजिक ईडन। लेकिन अगेन सोलाना के ऊपर अभी हम लोगों ने कल के दिन में काफी बड़ा हैक देखा है। तो सोलाना के ऊपर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी आप लोग उसको थोड़ा होल्ड करके रखें, और जब तक ये सोलाना का जो हैक है कंप्लीट नहीं हो जाता, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप लोग सोलाना के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो वो ओके होगा। लेकिन अगर आप लोग इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये दो एनएफटी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे मशहूर एनएफटी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, और अगर आप लोग यहाँ से एनएफटीज को बाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप लोगों ने अपनी रिसर्च पहले खुद करनी है, आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट को पहले खुद स्टडी करना है जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये थी आज की मेजर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स और ऑल दीज कॉइन्स। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।